वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन का कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है जिसमें हम इमोशंस की वजह से हमारी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करते हैं। लाइक हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हमारी जो पावर डायनामिक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है लोगों पे, वो इमोशनली कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है, हम उस उन चीज़ों को इमोशनली कैसे फील करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन बोलते हैं कि सोसाइटी में हमारी इमोशंस की वजह से हमारे क्या बिहेवियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटर है, अगर उसको कस्टमर गालियाँ भी दे दे, कस्टमर जितना मर्जी बुरा भला उसे बोल दे, बट वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका काम है, अगर वो कस्टमरों के साथ आगे से उन्हें उससे गुस्सा आएगा तो कस्टमरों के साथ बदतमीजी करेगा, उसे जॉब से निकाल देंगे। बट उसने क्या करना होता है, कस्टमरों के साथ फ्रेंडली और सपोर्टिव बिहेवियर दिखाना होता है, जितना मर्जी कस्टमर गुस्से में हो। तो ये सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन की कॉन्सेप्ट था। अभी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको हम देख लेते हैं कि इसका हमें क्या बेनिफिट है, इसकी क्या हमें सोसाइटी में बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि आप अगर इसको समझ लेंगे सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस को, जब आपको सोसाइटी के लोगों की सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी जो सोसाइटी में लोग जो कुछ कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो उनकी नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो सोसाइटी के जो लोग हैं, जब आप उनके इमोशंस को समझ लेंगे तो आप अच्छे से काम करवा सकते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि वर्क फोर्स या वर्क प्लेस पर आप जो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लेबर के जो इमोशंस हैं उनको समझकर अच्छे से उनसे काम ले सकते हैं, उनको इजी और कंफर्ट रख सकते हैं। आगे सेकंड इसका जो बेनिफिट है, अपने रिलेशंस इन्हेंसिंग रिलेशनशिप, लाइक आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। देखें ना, जब आप अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को या जितने भी आपके जिससे भी आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी रिलेटिव हैं आप, जो भी हैं, तो आप जब उनके इमोशंस को समझने लग पड़ेंगे कि यार ये क्या फील कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अच्छे से बात कर पाएंगे। आप उनकी बातों को जब समझ पाएंगे तो आपको पता होगा यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी इसको मेरी ये बात बुरी लगी है, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा, वो इम्प्रूव होगा। इसका सबसे बड़ा एक ये भी बेनिफिट है। उसके बाद लास्ट पे जो इसका बेनिफिट है वो आ जाता है एड्रेसिंग सोशल इशूज़। इसका सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो लोगों के जो लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों के जो इमोशंस हैं, उसको जब समझकर हम उनको बताते हैं या उनको रिलेट करते हैं कि यार आपके माइंड में ये चल रहा है, इसका ये हाल है, इसको हम एड्रेसिंग सोशल इशू बोलते हैं। जैसे लोगों पॉलिटिशियन जो होते हैं वो जब स्पीच करते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के इश्यूज़ को पहले तो सबसे पहले वो रिसर्च करते हैं कि लोग इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, महंगाई है तो वो क्या फील कर रहे हैं, किस वजह से कैसे किस चीज़ को टारगेट करना है, वो सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद इमोशनली लोगों की कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद वो अपनी स्पीच में उनके इमोशंस को रिलेट कर देते हैं कि हम समझते हैं कि आप बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, आप गुर्बत में हैं, आपकी सैलरीज कम है, इन सारी चीज़ों को जो उनके माइंड में चल रही है उसको रिलेट करके उनको स्पीच में बताते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो उनको फिर वोट देने लग पड़ते हैं। तो ये होता है एड्रेसिंग सोशल इशू। आई होप आपको सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस इसका कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।